ब्रह्मचर्य ज्यादा टफ है क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। बाकी आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। बाकी वीडियो को आप समझ चुके होंगे, जो टाइटल और थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं और क्या क्या कंटेंट होने वाला है इस टॉपिक का। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि है क्या इस वीडियो में। तो इस मेनली हम फोकस करेंगे नोफैप और ब्रह्मचर्या, इसमें से कौन से ज़्यादा पावरफुल है, कौन से के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, अभी मैं कौन सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे इस टाइम गर्मी बहुत तेज़ हो रही है और यहाँ पे फैन वैन भी नहीं है इस रूम में, तो मतलब कि इग्नोर करना, ठीक है? तो बहुत तेज़ गर्मी है, ठीक है? तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा नोफैप। नोफैप क्या होता है, नोफैप कहाँ से आया, ठीक है? फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो ब्रह्मचर्य। मेरे को ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं ब्रह्मचर्य के बिल्कुल लास्ट में बात करूंगा, ठीक है? तो नोफैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, नोफैप अभी रिसेंटली, मतलब कि रिसेंट ईयर्स में आया है। ये एक इंग्लिश वर्ड है और जो इंटरनेट कम्युनिटी है उसने बिल्ड किया था, उसमें कुछ लोगों ने बिल्ड किया था। बाकी इतना डीप में नहीं जा रहे हैं, बस मेन मेन नॉलेज ले लो ताकि आप लोगों को पता चले कि नोफैप होता क्या है। और अगर आप लोग नोफैप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नोफैप है क्या। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता क्या है, एक स्टूडेंट है वो बहुत सारा पॉर्न देखता है, फिर पॉर्न देख के वो मास्टरबेट करता है। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। वो अपना फोकस बिल्कुल इस चीज़ में लगा देता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाता है। उसका फोकस, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ सब कुछ ख़त्म होने लगती है और वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ताकि ये ना हो, ताकि एक बच्चा, ताकि यूथ अच्छे से काम कर सके अपनी पर्सनैलिटी पे, अपना फ्यूचर पे, इसलिए ये साइट बनाई गई थी ताकि सब लोग जो है ये चीज़ ना करें, एडिक्टेड ना हो, पॉन एडिक्टेड ना हो, ठीक है? तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं करना कैसे होता है, नोफैप के क्या रोल्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नोफैप में आप लोग पॉन नहीं देख सकते, आप मास्टरबेट नहीं कर सकते। ये होता है ना, पॉन चला लिया और यू आर मास्टरबेटिंग इट, वो नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी। सेकेंडली इसमें आता है आपको कि कोई भी एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है? या मतलब कि आप सोच रहे हो कि क्या बता कि गर्लफ्रेंड के पास गए, मिले, किसिंग विसिंग, वो नहीं करना है, ठीक है? तो वो सब कुछ इसमें प्रोहिबिटेड है। और जो मेन एम है इसका वो पॉन और मास्टरबेशन का है, ठीक है? जो मास्टरबेशन और पॉन एडिक्ट हो जाते हैं उन लोगों के लिए मेन एम था इसका। इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं इसके। अगर आप पॉन देख रहे हो तो आप अपने जो माइंड है उसको बिल्कुल मतलब कि नेगेटिव थॉट्स से फिल कर रहे हो और आप रूइन कर रहे हो अपने आप को, तो बहुत गलत कर रहे हो। आप लोगों को पता है कि पॉन देखने से आपकी मेंटेलिटी जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है और सोसाइटी में जो आप लोग स्टैंड नहीं कर पाते कहीं पे भी, अगर आप पॉन वगैरह में और मास्टरबेशन वगैरह कर रहे हो, ठीक है? तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ये मैंने पहले वाली वीडियोस में कवर कर रखे हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो गाइस, अब जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं लास्ट में बताऊंगा, नोफैप या ब्रह्मचर्य जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। बट अभी मैं बताने वाला हूँ आपको ब्रह्मचर्य के बारे में। तो गाइस, ब्रह्मचर्य आप मतलब कि वर्ड से समझ जाओ, ब्रह्म, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब कि दो वर्ड से बना हुआ है, ब्रह्म और चर्या। ब्रह्म मतलब द पावर ऑफ डिवाइन, डिवाइन करके एक वर्ड होता है, और चर्या मतलब एक आपका बिहेवियर, ठीक है? दिनचर्या मतलब कि लाइफ स्टाइल, समझ जाओ। तो गाइस, ब्रह्मचर्य जो वर्ड है काफ़ी पहले से अपने हिस्ट्री में चले आ रहा है, अपने जो गॉड हैं, अपने जो रिलीजियस गॉड हैं, अपने कल्चर बिलीफ्स हर जगह मिलेगा आपको। वेदास, ऋग्वेदास, आप आराम से इसको कहीं पे भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये ब्रह्मचर्य जो है अपने जो भी गॉड वगैरह थे उसका पालन करते थे और तभी वो लोग इतने स्ट्रांग थे। तो जितने भी गॉड गॉडेस थे वो सब ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और यू गाइज ऑलरेडी नो अबाउट द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य गाइज, ठीक है? मतलब कि आप लोगों को पता है कि कितना पालन करते थे सब, ब्रह्मचर्य होते थे। एक एज होती थी उन लोगों के लिए कि कब से कब तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कब से पढ़ाई करनी है, कब से उन लोगों को अपने गुरु के पास जाना है और कब से, कि कौन सी एज से, मतलब कि इसमें भी एक एज रहती थी इन लोगों की कि इस एज से इस एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ ब्रह्मचर्य होता क्या है। ब्रह्मचर्य के 8 रूल्स हैं। 8 रूल्स के ऊपर मैं दो मतलब कि अलग से एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत लेंथी लेंथी रूल्स हैं, ठीक है? तो मैं भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि होता क्या है ब्रह्मचर्य में। आप सेक्सुअल थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, आप रोमांटिक वीडियोस नहीं देख सकते, आप किसी फीमेल को गंदी नज़र से नहीं देख सकते, उसके उसके मतलब कि उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स या फिर सेक्सुअल थॉट्स डेवलप नहीं कर सकते। और आप ऐसा कर रहे हो तो आपका ब्रह्मचर्य का पालन टूट जाएगा और आप ना ही मास्टरबेशन कर सकते ना ही सेक्स कर सकते। बाकी इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे रूल्स हैं इसमें। आप लोगों को जल्दी उठना होता है, वर्कआउट करना पड़ता है डेली, और आपको सूर्य से पहले जल्दी उठना, मतलब कि
सनराइज से पहले उठना पड़ता है और फिर वर्कआउट वगैरह करना पड़ता है। आप इसमें कुछ लोगों का होता है कि वो नॉनवेज नहीं खाते, बट ऐसा नहीं है, वो आपका खुद का कल्चरल बिलीफ है कि आपको खाना है नहीं खाना है, आप खा भी सकते हो ना भी, ठीक है, कल्चरल बिलीफ है। मतलब कि अगर जैसा आपको सही लगे, जैसे आपके रिचुअल्स में होता हुआ आ रहा है, जैसे आपकी फैमिली में लोग करते हैं वैसा करना होता है इसमें, जैसा कि मतलब कि आपके गॉड वगैरह थे तो वैसा, ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते, ठीक है। तो वो अपनी मेंटेलिटी है कि आपको खाना है नहीं खाना है, ठीक है। बाकी इसमें भी मतलब कि नो सेक्स, नो सेक्स एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सारा माइंडसेट का भी गेम होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है इसमें आप लोगों को गॉड से कनेक्टेड रहना पड़ता है, आपको पूजा करनी पड़ती है डेली। मैं आप लोगों को बता दूं अभी मैं किस चीज़ का पालन कर रहा हूँ, मैं नोफैप नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। मैं पहले स्टार्ट तो मैंने नोफैप से किया था, बट मेरे को लगा कि नोफैप में जब मैं अचीव करता गया और सक्सीड हो रहा था, तो मैंने बोला, मैंने अपने आप को सोचा कि लेट्स स्विच इट टू ब्रह्मचर्या। क्योंकि नोफैप में क्या था कि आप लोग वुमेन के बारे में सोच सकते हो, आप अट्रैक्ट हो सकते हो किसी लेडीज से या फिर लाइक अपोजिट जेंडर से, बट अभी ब्रह्मचर्य में आके मतलब कि मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ, ना ही लाइक ना ही रोमांटिक वीडियोस, ये सब से मैं बहुत दूर हूँ और मेरे को बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। लाइक एवरीथिंग इट इज़ चेंजिंग माई लाइफ, मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है और सब कुछ मैं अच्छे से प्रोडक्टिव वे में कर पा रहा हूँ, जो मेरी एम्स है मैं उसको अचीव कर पा रहा हूँ और मतलब कि सब कुछ मज़ा आ रहा है, ठीक है, और एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और जिसने बेनिफिट्स की वीडियो नहीं देखी वो ऊपर जाके टैप करो आई बटन पे, आप लोगों को बेनिफिट्स की वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। आज की वीडियो छोटी है, छोटी से छोटी और बहुत सारा ज्ञान तो समझ जाओ, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से जो है ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रह्मचर्य ज़्यादा टफ है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उनका जो बिहेवियर है वो पूरा माइंडसेट पर डिपेंड होता है, बट वो अपने माइंड को ही कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस है। उसके लिए बहुत सारा परिश्रम चाहिए, बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए, आप लोगों को मेडिटेशन करना पड़ेगा, आप लोग जल्दी उठना पड़ेगा, और अगर आप लोग सेल्फ टॉक नहीं कर रहे हो तो कभी नहीं कर पाओगे ब्रह्मचर्य का पालन। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। लव यू गाइस दिल से। बाकी और ही वीडियोस मैंने नोफैप पर बना रखी है, आई बटन पर टैप करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस हैं। अगर आप लोगों को नोफैप करना है तो उधर जाके पता लग जाएगा। बाकी बहुत तेज गर्मी लग रही है इधर, देखो पसीना पसीना आ रहा है, बट आई एम मैनेजिंग इट बिकॉज आई एम अल्फा। सो गाइस सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, पीस। Feels like a test that I fail, so depressed.